मिशन दक्ष, बच्चों को दक्ष के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं कर रही कड़ी मेहनत। शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिसंबर से मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 3:30 बजे के बाद विद्यालय के शिक्षक द्वारा कमजोर बच्चों को अलग से बिठाकर पढ़ाया जाएगा। वहीं इसको लेकर दूसरे दिन 2 दिसंबर को गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव पंचायत के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को बेसिक जानकारी पढ़ाई गई। गोसाईगांव के मध्य विद्यालय गोसाईगांव में बंगाली भाषा की शिक्षिका द्वारा बच्चों को हिंदी एवं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी, तो वहीं अन्य 2 कक्ष में भी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा अलग अलग से कक्षा ली जा रही थी। वहीं संध्या के 4 बजे पंचायत के श्री लालजी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में भी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विभिन्न विषय हिंदी अंग्रेजी व गणित पढ़ाया जा रहा था। गोसाईगांव पंचायत के हरनाचक में स्थित मध्य विद्यालय हरनाचक में 4:15 बजे तक बच्चों को पढ़ाया गया, इसके बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं मौके पर शिक्षकों ने बताया कि ठंड के मौसम होने के कारण अंधेरा जल्दी हो जाता है, जिससे शिक्षक शिक्षिकाओं को घर जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं बच्चों को भी काफ़ी मोटिवेट कर विद्यालय में रोका जाता है और छोटे बच्चे को, खासकर जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, को अलग से शिक्षा दी जा रही है। कहीं ना कहीं यह मिशन दक्ष कमज़ोर बच्चों को दक्ष जरूर बनाएगी। वहीं बताते चलें कि 3 विद्यालयों में संध्या तक सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। आपका किस क्लास में पढ़ती हैं? कैसा लग रहा है इस दक्ष में? बहुत अच्छा। क्या पढ़ रही हैं? आज दूसरा दिन होगा ना? क्या पढ़ रही हैं क्लास में? महीना का नाम। मैम पढ़ा रही हैं? यस। समझ में आ रहा है? यस सर। खुशी प्रिया। और कौन सी क्लास में? सेवन। क्या पढ़ रही है दक्ष में? महीना का नाम। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा लग रहा है ये? यस। स्कूल के बाद का समय है, बोरिंग भी लगता है? किस क्लास में? ये जो अभी दक्ष में पढ़ाई हो रहा है 4 बजे के बाद से, 3:30 बजे के बाद से, कैसा लग रहा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या पढ़ रहे हो उसमें? क्या नाम हुआ आपका? रिंकू माझी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? यहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैथ पढ़ाती हूँ, लेकिन अभी मिशन दक्ष के अंदर मैं हिंदी भी पढ़ा रही हूँ। अच्छा, आप किस सब्जेक्ट में? एक्चुअली मैं बांग्ला सब्जेक्ट के लिए हूँ। अच्छा, तो यहाँ तो बांग्ला के स्टूडेंट? नहीं, मिला बांग्ला के स्टूडेंट, लेकिन हम लोग बांग्ला के लिए अप्लाई किए थे। अभी जो मिशन दक्ष चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सब सीख रहे हैं फिर से। ये आज दूसरा क्लास है, क्या क्या सीखा है बच्चों को आपने? कल तो हम एकदम वर्ण से शुरू किए, ऐसे मतलब जो अ आ क ख से, अभी 2 अक्षर वाला शब्द इस तरह से होता रहेगा।